हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल रंजित कृष्ण में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बॉर्डर बता रही हूँ जो एक रंग से बनाया गया है। बनकर बहुत प्यारा लगेगा और बनाने में बहुत आसान है। इसके लिए सिलाई पर मैंने 25 फंदे डाले हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए तीन तीन के मल्टीपल से फंदे लिए हैं। एक फंदा एक्स्ट्रा रखने से हमारा डिज़ाइन जो है सेट हो जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सीधी साइड पहली सिलाई और सीधी साइड एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। दूसरे वाले फंदे से सिलाई इस तरीके से करते हुए पहले फंदा बुनेंगे दूसरे वाले को, और पहला फंदा हम बाद में सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को सिलाई पर ले जाते हुए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को हम पहले सीधा बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को हम बाद में सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को पहले सिलाई पर इस तरीके से ले जाते हुए सीधा बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा। पहली रो दोस्तों हमें इसी तरीके से बना करके कंप्लीट कर लेनी है। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके दूसरे वाले फंदे को इस तरीके से पहले बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को हम पहले सीधा बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को पहले हम सीधा बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा। सेकंड सिलाई और उल्टी रो। इस सिलाई को दोस्तों हमें पूरा ही उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। ये बॉर्डर दोस्तों बनाने में बहुत आसान है और बनने के बाद बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है। आप इसे स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट किसी पे भी डाल सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ बॉर्डर के दोस्तों मैं ऊपर का डिज़ाइन भी आपको बताऊंगी जो आप इस बॉर्डर बनाने के बाद इसको डाल सकते हैं। वो भी बहुत आसान है डिज़ाइन भी। तीसरी सिलाई एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे से सिलाई इस तरीके से करते हुए पहले फंदा बुनेंगे दूसरे वाले को, और पहला फंदा हम बाद में सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को सिलाई पर ले जाते हुए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को हम पहले सीधा बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को हम बाद में सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को पहले सिलाई पर इस तरीके से ले जाते हुए सीधा बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके दूसरे वाले फंदे को इस तरीके से पहले बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को हम पहले सीधा बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को पहले हम सीधा बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को इसी तरीके से आगे ले जाके दूसरे वाले फंदे को पहले सीधा बुन लेंगे, और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेके जाएंगे, दूसरे वाले फंदे को
सीधा गुन लेंगे और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा गुन लेंगे। धागा करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे दूसरे ले फंदे को सीधा बुन लेंगे और पहले ले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से ये रो बनानी है हमें। धागा आगे लेके आएंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे दूसरे ले फंदे को पहले लेके आएंगे, इसे हम सीधा बना लेंगे और पहले ले फंदा है इसको बाद में हम सीधा बुनेंगे। करेंगे दूसरे ले फंदे को आगे लेके आएंगे और सीधा बुन लेंगे और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुनेंगे। धागा आगे लेके आएंगे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे पहले दूसरे वाले फंदे को पहले हम सीधा बुन लेंगे और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करें दूसरे वाले फंदे को आगे लेके आएंगे इस तरीके से, उसे हम सीधा बना लेंगे और जो पहले वाला फंदा है इसको बाद में हम सीधा बुन लेंगे, लास्ट का फंदा है उसे हम उल्टा बना लेंगे। फोर्थ रो दोस्तों हमें उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेनी है। पांचवी सिलाई और सीधी साइड, पहला फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और दूसरे वाले फंदे को आगे ले जाते हुए हम सीधा बुन लेंगे और पहले वाले फंदे को बाद में हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे एक फंदा उल्टा, इस रो को भी हमें पहली और दूसरी रो की तरह ही बना लेना है। इस बॉर्डर के डिजाइन को दोस्तों आप लाइट या डार्क दोनों कलर में डाल सकते हैं। बनाने बहुत ही आसान है और बनकर बहुत जल्दी तैयार होता है और बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है दोस्तों, आप इसे बनाकर जरूर देखें। इसके साथ ही मैं ऊपर स्वेटर का डिजाइन भी आपको बताऊंगी जिसके साथ मैचिंग का है और बनने के बाद वो भी बहुत प्यारा लगता है, वो भी इजी है बनाने के लिए। बॉर्डर हमारा बन चुका है दोस्तों, इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर तैयार होगा। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।